तो दोस्तों अब तक आपने देखा इंडियन मार्केट में काफ़ी सारा ब्रांड ने 5G फ़ोन ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, बट यार बहुत सारा भाई कमेंट करके पूछ रहा था कि इन्फिनिक्स का 5G फ़ोन हमें कब तक इंडियन मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलेगा। तो मेरे पास कोई ऐसा लीक्स वगैरह नहीं था तो मैं उतना अच्छे से रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, बट फाइनली आज मेरे पास ऑफिशियल न्यूज़ आया है जो कि है इन्फिनिक्स का 5G फ़ोन के बारे में। बहुत जल्द मार्केट में आपको इन्फिनिक्स का 5G फ़ोन देखने को मिलेगा, और ये फ़ोन कौन सा सीरीज का होने वाला है ये भी थोड़ा कन्फ्यूज करके रखा है। इन्फिनिक्स ने अब तक काफ़ी सारा सीरीज को जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। इन्फिनिक्स स्मार्ट सीरीज है, हॉट सीरीज है, नोट सीरीज है और जीरो सीरीज है। जीरो जो आई आया है, मतलब 08i जो आया है, वो अब तक का सबसे मतलब पॉपुलर फ़ोन है, क्योंकि काफ़ी सारा बेहतर फीचर्स आपको देखने को मिलता है। 48+8 मेगापिक्सल का ड्यूल सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो इस जगह पे जो 5G फ़ोन आने वाला है ये इन्फिनिक्स का हॉट सीरीज का आएगा या फिर नोट सीरीज या फिर जीरो सीरीज या फिर स्मार्ट सीरीज। स्मार्ट सीरीज तो नहीं आने वाला है क्योंकि स्मार्ट सीरीज जो है वो सस्ते में आता है, एंट्री लेवल फ़ोन है। बाकी जो हॉट सीरीज है, नोट सीरीज है और जीरो सीरीज है, ये थोड़ा सा महंगे में आता है। तो शायद ये तीन सीरीज में आपको जो है इन्फिनिक्स का 5G फ़ोन देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर चांस है इन्फिनिक्स का नोट सीरीज और जीरो सीरीज में। इस जगह पर इन्फिनिक्स का जो लास्ट फ़ोन इंडिया पर आया है नोट सीरीज का, वो इन्फिनिक्स नोट 7 है, बट ग्लोबल मार्केट में इन्फिनिक्स नोट 8 लॉन्च हो चुका है। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो जो है आने ही वाला है, इसका काफ़ी सारा लीक्स वगैरह निकल के आ चुका है और ग्रीकविन साइट में इसको लिस्टिंग कर दिया गया है। प्रोसेसर है मीडियाटेक हीलियो G90T। तो इन्फिनिक्स नोट 8 का सक्सेसर इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो जो आ रहा है वो 5G नहीं है, ये भी कंफर्म हो जाता है। तो बाकी रहता है इन्फिनिक्स का जीरो सीरीज, जो इन्फिनिक्स 08 अभी लॉन्च हुआ है उसी का सक्सेसर इन्फिनिक्स 09 या फिर 9 प्रो लॉन्च हो सकता है, जिसमें 5G फ़ोन आपको देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से ये लग रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको वो पोस्ट दिखाता हूँ जो इन्फिनिक्स की तरफ से ऑफिशियली किया गया है। ये रहा वो पोस्ट जहाँ पर साफ साफ लिखा है इन्फिनिक्स जो है 5G फ़ोन पर काम कर रहा है और बहुत जल्द मतलब 5G फ़ोन आपको मार्केट में मिलेगा। अब ये कौन सा फ़ोन होगा ये अभी तक कन्फर्म नहीं किया है, बट सिर्फ यही बताया है कि 5G फ़ोन पर वो काम कर रहा है, एक या फिर दो या फिर तीन महीने के अंदर जो है आपको इन्फिनिक्स एक 5G फोन जो है मार्केट में देखने को मिलेगा। अब इस फोन में कौन सा फीचर्स होगा, क्या प्रोसेसर होगा, उसके बारे में चलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। देखिए डिस्प्ले हमेशा इन्फिनिक्स बड़ा देता है, इस फोन में आपको लगभग 7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला रहेगा, लेकिन इस बार आपको AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है जो रहेगा ड्यूल पंच होल के साथ। तो ये एक मतलब बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं। और ड्यूल पंच होल मिलेगा मतलब ड्यूल सेल्फी कैमरा आपको मिल जाएगा, जिसमें प्राइमरी सेंसर जो रहेगा 48+8 मेगापिक्सल का ड्यूल सेल्फी कैमरा जो इन्फिनिक्स 08 में देखने को मिला था वही आपको शायद इस फोन में भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा 64 मेगापिक्सल का, और बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, माइक्रो डेप्थ भी देखने को मिल जाएगा। LED लाइट तो आपको भर भर के दे देता है इन्फिनिक्स का फोन। बट इस जगह पे सबसे जो मुद्दे की बात है भाई, प्रोसेसर क्या मिलेगा, मतलब 5G चिपसेट होने वाला है तो 5G चिपसेट कौन सा रहेगा, स्नैपड्रैगन या फिर मीडियाटेक का? तो देखिए मीडियाटेक का प्रोसेसर आपको मिलेगा। मीडियाटेक का जो 5G चिपसेट अब तक का आया है डायमेंसिटी सीरीज का आया है, डायमेंसिटी 800U इंडिया पे लॉन्च हो चुका है, बट इस जगह पे मेरे ख्याल से जो डायमेंसिटी 800U नहीं, डायमेंसिटी 700 जो प्रोसेसर है जो 5G है, सस्ते में 5G प्रोवाइड करा रहा है, वो प्रोसेसर आपको आने वाला इन्फिनिक्स का 5G फ़ोन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों इस फोन में आपको 8GB का रैम मैक्सिमम वेरियंट जो 8GB वाला वेरियंट रहेगा, 6GB वाला वेरियंट भी आपको देखने को मिल सकता है, बाकी 128GB इंटरनल स्टोरेज या फिर 256GB इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल सकता है। मोबाइल में लगभग 5000mAh का बैटरी भी मिल सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, और 33W का सुपर फास्ट चार्जिंग भी आपको मोबाइल में मिल सकता है। USB टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा और AMOLED डिस्प्ले होने की वजह से शायद इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों और एक लेटेस्ट फीचर्स आपको देखने को मिल सकता है जो है Android 11 का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स, साथ में आपको XOS 7.1 या फिर 2 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी कुछ नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा और इन्फिनिक्स का ये पहला 5G फ़ोन होने वाला है, और मेरे ख्याल से बहुत जल्द आपको जो है ग्लोबल मार्केट में पहले देखने को मिलेगा। नाइजीरिया, इंडोनेशिया, केनिया, ये सब कंट्री में पहले लॉन्च होगा, बाद में ये फ़ोन इंडिया पे भी आएगा, बट सस्ते में आपको जो है काफ़ी बेहतर फीचर्स मिलेगा और 5G सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये था कुछ डिटेल्स जो कि इन्फिनिक्स ने ऑफिशियली पोस्ट करके हमें बताया था, बाकी जो फीचर्स बताए ये लीक्स के ऊपर था। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करके बाजू में बेल का घंटा उसको दबा देना। चलिए मिलते हैं और कोई इंटरेस्टिंग और फेसबुक में, तब तक के लिए जय हिंद।